हम लोग ये जो देखकर शादी ब्याह करते हैं जी कि हमारे को ये ऐसा है, फिर बाद में जो असलियत में वो नहीं होता तो हम लोग फिर उससे पीछे हट जाते हैं कि ऐसा तो नहीं था। पुराने ज़माने में हमारे सयाने चुना करते थे, अरेंज मैरिजेस होती थी। जी लव मैरिज की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लव मैरिज हो या ना हो, जी हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं। जी हम चाहते हैं लव मैरिज में भी एक सबसे अच्छी बात होती है, प्यार अगर करते हो तो फिर सारी उम्र के लिए करो ना, 2-4 दिन के लिए और 2-4 महीने के लिए क्यों करते हो? बांह पकड़ ली तो मरते दम तक निभाना है ना, किसी को बीच भंवर में थोड़ी छोड़ना है। तो प्रेम करना है तो पार करना है प्रेम को, तो ऐसा इश्क करिए, प्रेम करिए। कोई परफेक्ट नहीं है, भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम केवल भगवान ही है। हम सब में कमियां ही कमियां हैं, और कमियों को भी प्रेम करना चाहिए और उनके गुणों को भी प्रेम करना चाहिए, यही प्रेम होता है। हम जो ढूंढते हैं, हमारे सामने सब चकाचौंध, हम सोशल मीडिया ने द वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल, हम हर आदमी में बहुत सुंदर सुंदर रौनक स्वपन कहीं बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, धन होना चाहिए। और अगर ये प्रेम कच्चा है, सिर्फ एक ओनली ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं कि ये हाँ हाँ सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा मॉडल है, ये है वो है, तो बाद में ये सब चीज़ें नहीं निकलेंगी। क्योंकि मॉडल भी टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको भी मेकअप से ठीक किया जाता है। असली में अगर आप देखेंगे तो वो भी उसमें भी हजारों गलतियां, लाखों गलतियां आपको मिलेंगी। कोई परफेक्ट नहीं है। जो तेरे में है मुझे तू प्यारा है, तेरे में कमियां हैं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे में गुण है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस सिंपल। दोनों से आगे बढ़िए। महाराज जी, जनता को आपको सुनना हो, आपके पास आना हो तो कौन सी जगह, कहाँ पे एक बार जनता को एक बार जी। मेरा तो YouTube चैनल के ऊपर भी मेरा सत्संग प्रसार जाता है, मैं हर जगह पे ही जाता रहता हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी सब जगह पे हमारे आश्रम जो है काफ़ी हैं। मैं लोनी दरबार में रहता हूँ, और ये अगर इंडिया में रहता हूँ तो ये यहीं शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास में है, और मेरे जो प्रचार प्रसार है वो चलता रहता है। मैं तो लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, मैं कोई भगवान से जोड़ने का काम तो मेरा है ही है, पर मेरा काम यही है कि उसकी हैप्पीनेस से मैं जोड़ूँ, खुशी से जोड़ूँ, उनको अपने फैमिली वैल्यूज सिखाऊँ कि फैमिली के साथ कैसे बैठना है। ओबामा भी शाम को 6 बजे अपनी फैमिली के साथ बैठ सकता है, हम ओबामा से बड़े थोड़ी हैं, हम नहीं बैठ सकते। फैमिलियों के साथ बैठो, जी, फैमिली इज़ एवरीथिंग, फैमिली इज़ योर धन, वेल्थ, एवरीथिंग। फैमिली वैल्यूज़ पे काम करता हूँ मैं। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं, उनकी जो बिरला की पूरी फैमिली है, वो शाम को 7 बजे 8 बजे जब भी अपने घर में आते हैं खाना खाने, सारे 2-3 घंटे के लिए इकट्ठे बैठते हैं, टेलीफोन वो साइड पर रख देते हैं। प्रेम बढ़ता है, फैमिली वैल्यूज़। वारन बफे, वारन बफे अपने पूरे परिवार का, उसका इतने साल का रिकॉर्ड है, उसने 6 बजे ठीक अपने परिवार के साथ बैठना है और 9 बजे तक, 9-3 घंटे तक अपने परिवार के साथ समय बिताना है, रोटी खानी है, बातें करनी है और फैमिली वैल्यूज़ पे काम करना है। हमको भी यही करना है, जी। इतना अच्छा है, ये हंसाता है, ऐसे ही हंसाए बस, हमारी यही दुआ है, ये इसकी इस पर अपार कृपा हो, ये आपको हंसाता रहे सदा।